तो कैसे आप लोग, अगर आप देख रहे हैं अपना उज्जवल लडूला, तो आज मैं आया हूँ सीताराम छोले भटूरे के अंदर जो पड़ता है मालवीय नगर मेन मार्केट के अंदर, तो उनके पास ये छोले भटूरे मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के, लेट्स गो। आपको मैं बोर्ड दिखा रहा था, सीताराम छोले भटूरे एंड छोले चावल, नीचे अभी आपको पहले भैया के ओनर से बात करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, लेट्स गो। हरीश है भैया का नाम, तो कितने टाइम से कर रहे हैं शॉप? ये 7-8 साल हो गए। अच्छा, पहले हमारे भैया ना अपने विशाल छोले भटूरे पे काम करते थे, तो मतलब काम क्या उनकी खुद की शॉप थी, तो हमने वो बंद क्यों की? वो कोरोना भी हो गया था और फिर किराया बढ़ा दिया था बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो पहले आप यहाँ पे करते थे? हाँ जी। छोले भटूरे की प्लेट कितने की है? 30 रुपये की। 30 रुपये की है। अच्छा, छोले भटूरे 30 रुपये और छोले चावल की मैंने लिखा है आपने? आप 20 का है, फुल 30 का। अच्छा, और क्या टाइम क्या होते हैं? सुबह 7:30 बजे से शाम को चार बजे तक सिर्फ छोले भटूरे। अब छोले देखते हैं हम। थैंक यू भैया, ये हम छोले देखते हैं, मैं दिखाता हूँ। ये हमारे छोले हैं। भैया कितने बन जाते हैं रोज के? 12-13 किलो। अच्छा, 12-13 किलो बन जाते हैं। और ये यहाँ पे लास्ट है? हाँ लास्ट है, ये पतीले में। अच्छा, और ये हमारे भटूरे हैं, ये मैदा वैदा, मैदे के साथ और क्या क्या डालते हैं भैया? सूजी डालते हैं। अच्छा, सूजी वूजी डालते हैं। और ऑयल कौन सा है? ये राज गोल्ड का। बढ़िया, राज गोल्ड का। अच्छा, अच्छा अच्छा और ये छोले आप बनाते हो भैया? छोले अच्छा आप बनाते हो, बढ़िया लग रहा है देखने में। और अचार भी देखो कितना सारा पड़ा हुआ है। कितनी प्लेट बन, मतलब कितने छोले बन जाते हैं रोज के? 12-13 किलो तो लग जाते हैं। 12-13 किलो, सही है। चलो तो भैया एक हमारी प्लेट भी बढ़िया सी लगा दो फिर। ये अब लगा रहे हैं, अभी छोले हैं और इनके छोले थोड़े ग्रेवी वाले होते हैं। और ये प्याज अचार डाल रहे हैं इसमें, गाजर का, और ये कौन सा है? मिर्ची। और ये तो खत्म हो चुकी है। और ये हरी चटनी। अच्छा अच्छा, और ये भैया ने एक पेपर रखा, और ये दो भटूरे तैयार है। अरे हमारी प्लेट तैयार हो चुकी है। ओहो हो, ये आ चुके हैं भटूरे, बहुत हल्के लग रहे हैं देखने में। ये छोले, ये गाजर, प्याज और ये हरी चटनी। हरी चटनी रोज आप खुद बनाते हो? डेली बनाते हैं। अच्छा, ये पहली बाइट छोले भटूरों की खाते हम। ये छोले वहाँ से ज़्यादा टेस्टी हैं, आती आके वहाँ से ज़्यादा टेस्टी हैं और हल्के भी बहुत हैं। तो थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा, महंगाई इस समय बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ा सा मैदा महंगा हो चुका है, छोले महंगे हो गए, प्याज का दाम बढ़ गया, मैदा महंगा हो गया, छोले बढ़ चुके हैं, प्याज का भी दाम बढ़ गया, क्या करें, महंगाई के तौर पर सब कुछ देखना पड़ता है। जब भी 30 रुपये में ले रहे हैं, 30 रुपये में बहुत बढ़िया है भैया का काम, मान गए भैया का। तो लास्ट बार चेक करते हैं छोले, ये हरी चटनी, ये प्याज, मज़ा आ गया। अब हम इसे इंजॉय करते हैं और फिर भैया से दोबारा बात करते हैं। अरे भैया आपका नाम? जितेंद्र भाई, हमारे छोले भटूरे खा रहे, कैसे लगे भाई? सही लगे। कितने टाइम से आ रहे हो? यहाँ फर्स्ट टाइम आया। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हो। 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? पूरे दे देंगे भैया ने, पूरे दिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया का, थैंक यू भाई। आराम छोले भटूरे वाले भैया है सामने, ये आपको मदन मोहन हॉस्पिटल के जस्ट सामने मिलेंगे। ये हमारे केजरीवाल सर बैठे हुए आ गए हमारे, उसके सामने ही है अपना, ये अपना मालवीय नगर में आओगे मदन मोहन हॉस्पिटल के सर सामने आपको सर मिल जाएंगे। कोई भी बता देगा मदन मोहन हॉस्पिटल, और उसके सामने हमारे सीताराम के छोले भटूरे है। तो हम छोले भटूरे खा लिए और हम भैया से बात करते हैं और इन्जॉय करते हैं। भटूरे खा चुके और आ चुके भैया के पास वापस, तो भैया अच्छा बढ़िया छोले भटूरे थे, 30 रुपये में मज़ा आ गया। अच्छा, तो अगर किसी को आना आपके सीताराम छोले भटूरे पे, तो कैसे आएगा, कहाँ पर आएगा?
ये पंडित मदन मोहन हॉस्पिटल के जस्ट सामने माल्य नगर के अंदर स्कूल की दीवार के साथ में। अच्छा ये माल्य नगर मदन मोहन हॉस्पिटल वो रहा, और अगर आपको आना हो तो आप आ सकते हो। तो थैंक यू भैया, बढ़िया मज़ा आ गया 30 रुपए के छोले भटूरों में। थैंक यू। का भी ध्यान रखा जा रहा है, यहाँ पे सारे प्लेट यहीं पर ही रखते हैं, और यहाँ पे पूरा सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं कि कोई गंदगी ना फैले यहाँ पे कोई भी। तो यहाँ पे सारी प्लेटें हैं। सो ये रहा सारी शॉप, अब आपको मिलते हैं, अब घर जाके आराम से बात करते हैं। प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज बिग द बिग थम्स अप। कैसी लगी आपको सीताराम के छोले भटूरों की वीडियो कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल उज्जवल नरूला को। और गाइस थोड़े दिन से वीडियो नहीं आ रही थी थोड़ा, क्योंकि मैं बिजी चल रहा था, तो अब रेगुलर वीडियो आएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी तैयार रहे, ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट आता रहेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।